नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज फिर से हम एक और नए ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कस्टम रोम को अपने फोन में इंस्टॉल करने वाले हैं। उसका सारा जो इंस्टॉलेशन गाइड है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, साथ ही में दोस्तों उसका रिव्यू भी आपको मिलेगा, लेकिन वो कल मिलेगा। आज आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, क्विक रिव्यू कर दूंगा। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि एक बार वीडियो स्टार्ट होगा तो फिर दोस्तों आपकी पलक झपके भी नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसी होती है कि सब चीज़ आपको देखनी होती है, क्योंकि कुछ भी मिस हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो फटाफट दोस्तों, अभी आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में .os है। और हाँ, इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी, आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरी आप लास्ट वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई भी हैवी यूजेस करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, तो ये हैंग सा हो जाता है। बाकी जो मैंने पहले जो कस्टम रोम यूज की थी उनमें ऐसी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली थी। तो सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, आपको अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना होता है और कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना होता है। ये सब कैसे करना है दोस्तों, उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाओ, अपने पसंद की वीडियो को देखो और दोस्तों सीखो, अपने फ़ोन में कुछ नया एक्सपीरियंस करो। तो फटाफट मैं चलता हूँ अपने कस्टम रिकवरी में। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन को रीबूट करूँगा और यहाँ पर मैं पावर जो अप बटन है दोस्तों, पावर अप बटन को प्रेस करके रखूंगा तो डायरेक्ट हम बूट हो जाएंगे कस्टम रिकवरी में। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि प्रोसेस बहुत हैवी होती है। और यहाँ पर देखोगे कि ये टीम बिन जो TWRP रिकवरी है वो मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखी हुई है। तो आप लोग भी कर सकते हो, सारे लिंक वगैरह, अगर आप टेलीग्राम का यूज करते हो तो आप टेलीग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर बहुत लोग हैं और सभी लोग हेल्प करते हैं, आपकी भी हेल्प की जाएगी। तो आप लोग आ जाओ, जो भी फाइल चाहिए सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों, वाइप करना है। वाइप करने के लिए हमें एडवांस वाइप में जाना है और यहाँ पर डेलविक कैचे डाटा कैचे सिस्टम ये सब आपको डिलीट कर देना है। इंटरनल स्टोरेज आप डिलीट कर सकते हो या नहीं भी करो, आपकी मर्जी है, क्योंकि वैसे भी ये डिलीट हो जाएगा जैसे ही हम रोम को प्लेस करेंगे। इसके बाद उसे सारा डाटा क्लियर करना ही होता है, तो आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखोगे फॉर्मेटिंग हो चुकी है, अब हम होम में जाएंगे और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे सिलेक्ट स्टोरेज का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो आपकी फाइल जहाँ भी है आप वो चीज़ चूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं OTG के थ्रू, आप देख सकते हो OTG मैंने कनेक्ट करके रखी हुई है, तो OTG में मेरा जो रोम है वो है, मैंने इस पर ओके किया। इसके बाद दोस्तों मैं रिकवरी में जाता हूं और कस्टम रोम, तो यहां पर देखो आपके पास चार रोम यहां पर आपको शो हो रही हैं, ये सब मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, क्योंकि कभी भी मुझे कोई भी रोम यूज करना हुआ तो आसानी से कर सकूं, तो मैंने पेन ड्राइव में सब कुछ रखा हुआ है। तो देखो आज हम जो रोम यूज करने वाले हैं दोस्तों, या फिर जो इंस्टॉल करने वाले हैं, वो है चेरिस, जो चेरिस OS है, लेटेस्ट है, रेडमी 8 डुअल या फिर रेडमी 8 सीरीज सबके लिए है। तो इसे मैंने इस तरीके से स्वाइप टू प्लेस कर दिया है, तो ये प्लेस होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जो कि मैं कट कर दूंगा ताकि आपका टाइम बच सके। तो दोस्तों प्रोसेस में 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा ऑलिप्स, यानी कि ये रेडमी 8 सीरीज़ के तीनों फ़ोनों में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड 11 बेस्ड ये अपडेट है, मतलब ये जो कस्टम रोम है एंड्रॉयड 11 बेस्ड है, तो आपके फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा चेरिस OS में। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कस्टम रोम की, कि इंडियन लोग भी जो रोम डेवलपमेंट है उसमें काम करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आते हो तो वहाँ पर भी कुछ बंदे हैं जो रोम डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं और वो रोम डेवलप भी करते हैं। तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हिंदी में, अपनी भाषा में, हिंदी इंग्लिश आसानी से वो लोग समझते हैं और आसानी से आपका हर एक एरर, जो भी एरर आपको आता है उसका वो सॉल्यूशन दे देंगे। तो आप लोग हमारे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है ना उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों प्लेस हो चुकी है, अब हमें दोस्तों यहाँ पर अब क्या करना है, हमको यहाँ पर दोस्तों फिर से बाइक में जाना है और फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करके एस टाइप करके बस ओके कर देना है, तो हमारा जो डाटा है वो भी फॉर्मेट हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपल हमें रीबूट टू सिस्टम करना है, अगर आप इसे रूट करना चाहते हो तो मैजिक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रीबूट टू सिस्टम पर क्लिक किया,
अब दोस्तों ये पहला बूट लेगा और पहले बूट में भी ये बहुत टाइम ले सकता है, 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। वैसे ज़्यादातर नॉर्मली 5 से 6 मिनट ही लगते हैं या फिर उससे भी कम लगते हैं। अभी दोस्तों 2-3 मिनट में यहाँ पर फ्लैश हो चुका है और इसके बाद 4-5 मिनट में ये बूट भी हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों आपको अपने फ़ोन की बैटरी है ना 100% ही रखनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर ज़्यादा टाइम लगे तो आपका फ़ोन ऑफ ना हो, क्योंकि अगर फ़ोन ऑफ हो जाएगा तो दोस्तों प्रॉब्लम हो सकता है, आपका फ़ोन ब्रेक हो सकता है आपका फ़ोन किसी काम का ना बचे। तो अभी आप देख सकते हो कि आपकी डिस्प्ले पर चेरिश ओएस का लोगो है और कुछ इस तरीके से रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। तो अभी दोस्तों जितनी भी रोम मैंने यहाँ पर यूज की हैं या फिर अपने फ़ोन में डाली हैं, पूरी रोम ऑफिशियल हैं और एक रोम अनऑफिशियल भी थी और कुछ गेमिंग रोम भी हैं जो कि अनऑफिशियल हैं, तो उनको भी हम टेस्ट करेंगे। लेकिन अभी तक मैंने जो है ऑफिशियल रोम को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है। इसके बाद दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं पोर्ट रोम का भी, तो हम उसको भी यूज करके देखेंगे। लेकिन दोस्तों रिक्स होता है, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों ही डिवाइस है, वीडियोस बनाने के लिए ज़रूरत भी होती है इसलिए, और मेरा पीसी अभी ख़राब पड़ा हुआ है। अगर पीसी ठीक होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ब्रेक भी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर देखो लोड होने में टाइम लग रहा है, तो लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे और मैं थोड़ा वीडियो को भी पॉज कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा है, 2-3 मिनट ही लगा है और हमारे सामने देखो यहाँ पर जो है सेटअप पेज आ चुका है गूगल का। तो हम नेक्स्ट यानी कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फटाफट मैं आपको सेटअप करना भी दिखा देता हूँ। सेटअप करना सभी में एक जैसा होता है, तो हम सेटअप ऑफलाइन करेंगे ताकि टाइम बच सके। तो यहाँ पर मैंने सेटअप ऑफलाइन पर किया है क्लिक, तो ये गूगल का सेटअप है जो कि ज़्यादातर रोम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने दोस्तों सेटअप ऑफलाइन पर क्लिक किया है तो शायद हम होम स्क्रीन पर ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो गूगल की टर्म एंड कंडीशन है सबको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों ये स्टार्ट होने में ही थोड़ा लैग कर रहा है, लेकिन बाकी अदर जो भी कस्टम रोम थी उनमें मुझे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन इसमें क्यों आ रही है पता नहीं। यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर देखो जो प्ले सर्विस है क्रैश हो गई हैं, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये दोबारा से लोड करेगी, तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ा टाइम लग सकता है अब, तो इस बार शायद हो जाएगा। और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो सेटअप करने में ही थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने जो पासवर्ड है इसको भी स्किप कर दिया है, तो जितना कम से कम टाइम होगा उतना लगाएंगे और जल्दी से जल्दी होम स्क्रीन पर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने इसकी होम स्क्रीन आ चुकी है। ए वॉलपेपर यहाँ पर देखोगे चेरिश ओएस का है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये सब देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसमें ऐप्स मिलेंगे, ज़्यादा कुछ जो ब्लूटवेयर है देखने को नहीं मिले हैं। ये जो कुछ एप्लीकेशन है अलग से है, पता नहीं क्या है, लेकिन बाकी की सारी गूगल की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटस करके है, स्टेटस बार लिरिक्स, ये इस तरीके से है, शायद कोई किसी काम की होगी, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मैं क्विक आपको बता दूं तो यहाँ पर कोई भी ब्लूटवेयर नहीं है, एकदम स्टॉक आपको एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर देखते हैं दोस्तों, इस तरीके का आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, अच्छा है दोस्तों, ठीक है, आपको पसंद आएगा नॉर्मल। और तो ये इस तरीके का कंट्रोल सेंटर है, इसके साथ में आपको सेटिंग में भी जाके दिखा देता हूँ कि सेटिंग में किस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो सेटिंग कुछ इस तरीके से है दोस्तों, नेटवर्क सेटिंग सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, बैटरी वगैरह। और यहाँ पर हम अबाउट सेक्शन में आपको जाकर दिखा देते हैं, तो ये जो रोम है दोस्तों इसमें क्लियरली लिखा हुआ है रेडमी 8, रेडमी 8A, रेडमी 8A डुअल। और यहाँ पर देखोगे चेरिश ओएस 2.10 है, और ये सभी जितनी भी कस्टम रोम हमने यूज की है दोस्तों लगभग ये 9 या फिर 10 GB का जो है स्टोरेज लेती हैं। और एंड्रॉयड 11 बेस्ड ये जो यहाँ पर देखोगे आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एंड्रॉयड 11 बेस्ड है। तो कुछ इस तरीके की दोस्तों ये कस्टम रोम है, इसका फुल रिव्यू आपको कल मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वेट करो। इसमें अपडेट वगैरह भी जो आएंगे वो भी आप यहां से कर सकते हो, तो जो भी रोम अगर अपडेट होता है इसमें तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इन फ्यूचर आपको एंड्रॉयड 12 के साथ चेरिश ओएस देखने को मिले। बाकी दोस्तों इस वीडियो में ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।